Hello students, today we are going to study chapter number 2, commercial crops in GK for class 5th. Okay, so let me just start this session. Our cereals, what are the commercial crops? Listen children, commercial crops are those crops which gives the money after selling those crops or those fodders, livestock, animals, etc. Okay. So what are these cereals are included in this commercial crops? बच्चो commercial crop क्या crop कौन सी crop होती है? Commercial crop वो crops होती हैं जो कि नकदी फसलें होती हैं, यानी कि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनको market में बेच करके पैसा कमाया जा सकता है. किसान उसकी खेती करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि उनको बेच करके फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में पैसे को इकट्ठा कर सके, पैसा पैदा कर सके, तो उसको बोलेंगे कमर्शियल क्रॉप्स. अब इसमें जैसे पहला है इसमें अ सीरियल्स. व्हाट आर द सीरियल्स? अ सीरियल्स वीट, इट इज़ द स्टेपल फूड फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. ओके, सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वीट, वीट इज़ द स्टेपल फूड फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडियंस. मतलब उत्तरी भारत में और उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा वीट की खेती होती है. वीट वहाँ की मुख्य फसल है, स्टेपल मतलब मुख्य फसल है. ये हमेशा विंटर क्रॉप है, यानी कि वीट जो है उसके बोने का टाइम होता है विंटर में, और इट रिक्वायर्स डीप फर्टाइल सॉइल. इसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, दूसरा आता है मेज़, मक्का. मक्की की खेती जो होती है बच्चों, वो हॉट और वेट लैंड्स में की जाती है, और इसको रेनफॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इट नीड्स द मैक्सिमम रेन फॉल बिटवीन 100 एंड 250 सेंटीमीटर्स. मतलब मक्की की खेती के लिए हमें 100 से 250 मीटर सेंटीमीटर्स की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ मोस्ट मेनली ग्रोन इन ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा वैली एंड डेल्टाज ऑफ द रिवर ऑफ द डेक्कन. ओके, यानी कि वीट के लिए, सॉरी, ये जो मेज़ है उसके लिए 100 से 250 सेंटीमीटर्स की रेन की ज़रूरत है, और मेनली ये जो ग्रो करता है वो गंगेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा नदी के प्लेन में, ब्रह्मपुत्रा नदी के प्लेन में, उनकी वैलीज़ में, और जो रिवर डेल्टा है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है. मिलेट्स यानी कि ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज होते हैं, इनको मिलेट्स बोलते हैं. इनको ऐसे एरिया में उगाया जाता है जहाँ पर लो रेनफॉल है. यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल, यानी कि इनकी जो बारिश की ज़रूरत है इनको कम होती है. ओके, देन आता है कमर्शियल क्रॉप्स. कमर्शियल क्रॉप्स दोज क्रॉप्स विच आर यूज टू मेक मनी बाय द फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स के द्वारा टू अर्न द मनी, जो पैसे को उत्पादित करने के लिए या पैसा पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो फसलें उगाई जाती है उनको कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं. ये ऐसी फसलें होती है बच्चे जो बहुत महंगी बिकती है, जैसे टी है, चाय की खेती की जाती है. इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है टी में. चाइना के बाद सबसे जो दूसरा स्थान है चाय को पैदा करने में वो है इंडिया का. इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये मेनली जो है वो उत्तरी पूर्वी भारत में, जैसे कि उत्तरी पूर्वी राज्य, जैसे आपका मणिपुर हो गया, बंगाल हो गया, दार्जिलिंग का रीजन है वहाँ पर, असम का रीजन है वहाँ पर ये ज़्यादा उगाई जाती है. फिर आता है जूट. जूट का काम क्या है? जूट इट ग्रोज़ वेल इन फ्रेश एल्यूवियल सॉयल एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. इट इज़ ग्रोन इन ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा डेल्टा. यानी कि जूट की सबसे ज़्यादा जो खेती होती है उसको करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें फ्रेश एल्यूवियल सॉइल की ज़रूरत है, दोमट मिट्टी की ज़रूरत है, यानी कि जो थोड़ी चिकनी हो, थोड़ी भुरभुरी सी हो, और इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत गर्मी चाहिए. ये मेनली ब्रह्मपुत्रा रीजन में और गंगा के डेल्टा के मैदानों में होता है. तीसरी फसल है टोबैको, तंबाकू. तंबाकू की खेती भी जो है बहुत बड़े स्तर पर की जाती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होता है, और लाइट और सॉफ्ट सॉइल होती है वहाँ पर. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है कि कॉटन. कॉटन की खेती कहाँ होती है? आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. हमारी कंट्री जो है वो कॉटन की खेती में बहुत ज़्यादा आगे, गुजरात और महाराष्ट्र ये चीफ प्रोड्यूसर है हमारी खेती में, जो कॉटन को उगाते हैं. वो कमर्शियल क्रॉप है हमारे यहाँ की, बहुत ज़्यादा पैसा इससे किसान कमाते हैं. तो बच्चों ये पूरा चैप्टर यहीं तक फिनिश हुआ. आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू सून. Till then, goodbye. Please subscribe my channel, share my videos, and keep watching. Okay, bye-bye.